अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताऊंगा कि आप क्लियर वॉइस सर्वेस पर काम कैसे कर सकते हैं और इसके सर्वेस आप किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं और एक्चुअली सर्वेस होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर वॉइस सर्वेस एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें कि आप सर्वेस कंप्लीट करके अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसकी ये आती है कि आप क्लियर वॉइस का क्या मतलब है। क्लियर वॉइस का मतलब ये है कि आप जैसे कि मैनुअली अब मैं बोल रहा हूँ तो बोल कर भी आप सर्वेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्वेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, गेट पेड टू टेक सर्वेस एंड शेयर योर ओपिनियंस अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू यूज़ एवरी डे। अब आ जाती है कि अबाउट अपने ओपिनियंस को बताना भी है, ये शेयर भी करके आप अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर शेयर योर ओपिनियंस अबाउट द प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हर रोज़ इस वेबसाइट पर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको शेयर करके, उनको शेयर करने का भी ये खुद ऑप्शन देते हैं। एक उस ऑप्शन के थ्रू आप उनको शेयर करके भी अर्निंग कर सकते हैं। आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड स्टार्ट टेकिंग सर्विस इमीडिएटली। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने पड़ेंगे, वो क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 23 से 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के मुतालिक होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके पास गाड़ी है नहीं है, आपका अकाउंट कितने, बैंक अकाउंट कितने ओपन हैं आपके। उसके बाद आ जाता है कि आप घर के अखराजात कौन उठाता है, ये वो सिंपल है। आप पेट्स रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, कोई भी आप प्रेफर नॉट टू से, अगर आप चाहते हैं किसी का भी आंसर नहीं देना तो प्रेफर नॉट टू से आप करते जाएँ हर MCQs में और ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके आएंगे सर्वेस। सर्वेस भी इसी तरह होते हैं, सर्वेस क्रिएट करते हैं इस वजह से नॉलेज के लिए। पहली बात तो सर्वेस क्रिएट करने का मतलब नॉलेज है, नॉलेज के लिए एक तो करते हैं। दूसरा आ जाता है सर्वेस होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर जाने पर उसकी ट्रैफिक बढ़ती है, उस वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ती है। अब मैंने ये पेज ओपन किया, इससे नेक्स्ट अगर मैं कोई पेज ओपन करूँगा तो मेरे, आपने अक्सर देखा होगा कि एक पेज ओपन किया है उस पर मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए लोकल कोई वेबसाइट ओपन की है तो उस पर ऐड ज़रूर आएंगे। एक पेज मैंने क्या एक क्लिक ही किया है तो उस पर ऐड आ गया, ऐड चलेगा, एक न्यू टैब में चला गया, न्यू टैब में जाकर ऐड आ गया, वहाँ पर ऐड चल रहा है न्यू टैब का, कोई बिलियनियर बनने का, ये वो। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो ट्रैफिक बढ़ रही है उस वेबसाइट पर। आप एक बंदा आया है वेबसाइट पर तो अब वो दो शो कर रहा है, क्योंकि एक तो आप इस पेज पर आए हैं, दूसरा आप उस पेज पर जाएंगे, दो पेजेस आपने ओपन कर रखे हैं तो उसका मतलब है कि उसकी ट्रैफिक बढ़ी है, एक बंदे की एक बंदा ज़्यादा हुआ है। ये अब मैं सिंगल यहाँ पर इस वेबसाइट पर आया हूँ तो जब मैं एक न्यू पेज ओपन होगा मेरे सामने, एक सर्वे एक कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन, अब न्यू ऑप्शन आएगा, न्यू MCQs आएगा तो वहाँ पर एक न्यू पेज आएगा, क्योंकि पुराने पेज में तो वो वर्डिंग ही नहीं होगी, न्यू पेज में एक वर्डिंग होगी। जब वो न्यू पेज आएगा तो मेरी एक और कॉपी बन जाएगी कि ये दो बंदे हैं यहाँ पर, दो एक की बजाय मल्टीपल ट्रैफिक शो होगी। तो जब मल्टीपल ट्रैफिक शो होगी तो उनको ज़्यादा अर्निंग होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट पेजेस, जितने ज़्यादा पेजेस, अब 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन ये 30 पेजेस, यानी कि 31 पर्सन्स आपकी इस वेबसाइट पर एक मिनट में होके गए हैं। अब वो एक मिनट का सर्वे कम्प्लीट हुआ है और आपके उस वेबसाइट पर 31 लोग होकर गए हैं। अब 31 लोग कैसे होकर गए हैं? अकेला मैं ही तो वहाँ पर सर्वे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है इन वेबसाइट्स को, इन वेबसाइट के डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ये फ़ायदा होता है सर्वेस का। इसलिए सबसे ज़्यादा वेबसाइट्स जो होती हैं वो सर्वेस की होती हैं, या वो वेबसाइट होती हैं जो पेजेस चेंज करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस चेंज करें, इसलिए ये सर्वेस बनाए जाते हैं और इसीलिए ये आपको पे भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर ईमेल दें पासवर्ड और कंफर्म करें पासवर्ड, इसे लाजमी कर लें टर्म्स ऑफ सर्विसेज को। तो ज्वाइन नाउ करके आप, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल आप क्वेश्चंस के आंसर दें और यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं सिंपल, इसकी ज्वाइन टुडे फॉर चांस, ये सारी चीज़ें इसमें ये आप देख लें यहाँ पर। तो आज की वीडियो में यही था, मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।